सुपर पावर। क्या है सुपर पावर, जल्दी बता। सुपर पावर की कोई एग्रीड डेफिनेशन नहीं है, बट विकिपीडिया के मुताबिक सुपर पावर ऐसे देश को कहा जाता है जो कि ग्लोबल स्केल पर अपना प्रभाव और किसी भी चीज को वर्ल्ड वाइड लागू करने की क्षमता रखता हो, बाय हुक और बाय क्रूक। अरे सीधी बात बताओ, इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं? डेफिनेटली बनेगा, बट करेंटली इंडिया को इमर्जिंग सुपर पावर की तरह देखा जाता है, जिसमें क्षमता है सुपर पावर बनने की, बट रिक्वायर एग्जीक्यूशन एंड पॉलिटिकल विल। और हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इंडिया को फेवर करती है टू बिकम सुपर पावर। पर उससे पहले व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अमित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज को अच्छे से जानने के लिए उस चीज की हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी होती है। सुपर पावर शब्द का प्रयोग वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे पहले यूएसए और सोवियत यूनियन के लिए किया गया था, और कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और सोवियत यूनियन को सुपर पावर माना जाता था जो कि वर्ल्ड अफेयर को डोमिनेट करते थे। जबकि कोल्ड वॉर की समाप्ति और 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद केवल यूएसए दुनिया का एकमात्र सुपर पावर प्रतीत होता है। बट आजकल आमतौर पर यह माना जाता है कि चाइना अपने बहुत बड़े इकोनॉमी और बढ़ते प्रभाव के कारण सुपर पावर बन गया है। भारत हिंद महासागर के कल्चरल रीजन में पड़ने वाला एक देश है। कल्चरल रीजन बोले तो एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां कई समाज शामिल होते हैं और उनमें लगभग समान लक्षण होते हैं और सेम कल्चर को साझा करते हैं। भारत की लोकेशन इस डेफिनेशन में परफेक्टली फिट बैठती है। ऑन द अदर हैंड, इस क्षेत्र में ट्रांसओशनिक कॉमर्स के ग्रोथ के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब ये ट्रांसओशनिक क्या है भाई? ट्रांसओशनिक ऐसे प्लेस को कहा जाता है जहां से बहुत सारे वाटर बॉडीज या फिर वाटर ट्रेड रूट क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन टेरिटोरियल वाटर के पास से यूरेशियन और एफ्रो एशियन ट्रेड रूट गुजरती है। इसी कारण से इंडिया की लोकेशन ट्रांसओशनिक ट्रेड के लिए परफेक्ट है। ऑन द अदर हैंड, सनी ट्रॉपिकल बेल्ट में एक क्षेत्र होने के कारण इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेंड से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि इंडिया में हायर सोलर आइसोलेशन और एक बड़ा कंज्यूमर बेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि अल्टीमेटली इंडिया को एक ज्योग्राफिकल सुपर पावर बनने में हेल्प करेगी। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सातवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी टर्म, और परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हालांकि इंडिया $2,194 के साथ पर कैपिटा इनकम के मामले में 139वें नंबर पर आता है इन नॉमिनल जीडीपी टर्म। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6-7% पर ईयर रही है, और 2014 से 2017 के दौरान भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गई थी। और इकोनॉमिस्टों का भी कहना है कि लॉन्ग टर्म में भारत की जीडीपी पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ ही जाएगी। पूछो क्यों? Why? कई फैक्टरों की वजह से, लाइक यंग पॉपुलेशन, हेल्दी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट एंड इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन दो दशक के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बावजूद ब्यूरोक्रेसी, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफ्लेक्सिबल लेवल लॉ के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी काफी स्लो है। इंडियन इकोनॉमी की सबसे रिमार्केबल बात यह है कि इंडिया के पास वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है इन द वर्ल्ड, जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट 9% से अधिक की है सिंस 2001। और इसी सर्विस सेक्टर ने 2012 में भारतीय जीडीपी में 57% का योगदान दिया था। As a result, India has become major exporter of IT services, BPO services and software services. और इसी तरह का ग्रोथ हमें हर सेक्टर पे करनी होगी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग पांचवा हिस्सा है। भारतीय जनसंख्या का 50% से अधिक 25 वर्ष से कम और 65% से अधिक 35 वर्ष से कम की आयु रखता है, और 2020 के एक आंकड़े के अनुसार इंडिया की एवरेज एज 29 साल है एज कम्पेयर टू चाइना 37 ईयर ओल्ड। ऑन द अदर हैंड, जापान की एवरेज एज 48 ईयर्स है,
इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि देश की ये युवा आबादी दशकों तक देश को एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स प्रदान करने वाली है, जो कि अल्टीमेटली भारत को एक सुपर पावर बनने में हेल्प करेगी। इंडियन आर्म फोर्सेस, दुनिया की बेस्ट आर्म फोर्सेस, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई। इंडियन आर्म फोर्सेस भारत की मेन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दो मेन ब्रांचेस से मिलकर बना है, कोर मिलिट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस। भारत की सेना चाइना के बाद दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव ड्यूटी फोर्स रखने वाली सेना है, जबकि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस 10 लाख की आबादी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। यदि दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर दिया जाए तो भारत की कुल आर्म फोर्सेस 24,14,700 है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस फोर्स है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।